नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। ठिकरी में कोरोना महामारी के दौरान 68 दिनों से चलाए जा रहे भंडारे के समापन के अवसर पर नगर में सेवा कार्य में लगे कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर व कार्यकर्ताओं को साफा बांधकर सम्मानित किया। वहीं कई सामाजिक संस्थाओं ने पवन अग्रवाल का सम्मान किया। बरु फाटक में एबी रोड पर बाईपास पर पिछले 68 दिनों से चलाए जा रहे पवन अग्रवाल मित्र मंडल के भंडारे के समापन के अवसर पर सामाजिक संस्थाओं ने पवन अग्रवाल व उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। पवन अग्रवाल ने बताया कि 68 दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड सहित अन्य प्रदेशों से लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे थे, जिन्हें सेवा कार्य के दौरान भोजन, दवाई, गोली, मास्क व सैनिटाइजर सहित जूते चप्पल तक की व्यवस्थाएँ संस्था के द्वारा प्रवासी मजदूरों को की गई थी। वर्तमान में मजदूरों की संख्या नगण्य है, जिसके चलते भंडारे का समापन किया जा रहा है। पवन अग्रवाल का भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ, सेवा भारती समिति, सुखदेव यादव मित्र मंडल, संजय यादव फ्रेंड्स क्लब जुलवानिया द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ठीकरी से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। शर्मा जी, यहाँ पर पवन अग्रवाल मित्र मंडल द्वारा लगातार एक भंडारा चल रहा था, आज उसका समापन है और वृक्षारोपण जैसा भी कार्यक्रम किया गया, श्रद्धांजलि दी। क्या संदेश देना चाहते हैं इसके साथ? संदेश कुछ नहीं, जिस वैश्विक महामारी को लेके जो ध्यान में आया, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बॉर्डर से प्रवासी मजदूर जब निकले तो हमने ऐसे वृक्ष देखे जहाँ पे छांव नहीं थी, थोड़ी थोड़ी छांव थी, उस छांव के नीचे जिस प्रकार से राहगीर आराम कर रहे थे, छांव का आनंद ले रहे थे, जिस प्रकार से थे, कल्पना नहीं कर सकते ऐसे कभी दिन देखने को होंगे। इसी कल्पना को साकार करते हुए पवन भाई से बातचीत हुई कि हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो हमारे देश में आज जल की समस्या है, जंगल की समस्या है, वो दूर हो, पर्यावरण जिस प्रकार से दूषित हुआ था वो ठीक हो। इन सब कल्पनाओं को साकार करने के लिए वृक्षारोपण, गाय की सेवा करने का लक्ष्य, हमने जल बचाने का, संरक्षण करने का काम, ये सब इससे फ्रेंड पवन भाई अग्रवाल द्वारा किया गया। इसमें सेवा भारती के भी कार्यकर्ता कंटिन्यू इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहेंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर्यावरण बचाएंगे, जल बचाएंगे, जंगल बचाएंगे, गौ माता को बचाएंगे और जन की सेवा करेंगे। जन, जंगल, जमीन सब प्रकार से काम करने का उद्देश्य हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है। पवन जी, आज एक कार्यक्रम का समापन क्या है, क्या कहेंगे, कैसे ये कार्यक्रम कर रहे थे और कब तक चलता रहा कार्यक्रम? ये बाबा अमरनाथ बरफाणी की प्रेरणा से एक संकल्प मेरी टीम के द्वारा लिया गया कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, दादा बरफाणी। इस देश के अंदर जो कोरोना महामारी जो आई है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम राष्ट्र राज्यों से जो राहगीर यात्री लोग जो अपने घर की ओर जा रहे थे, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ इस नेशनल हाईवे 3 नंबर पर स्थित होने के कारण हम लोगों ने जो देखी, इस क्षेत्र की मेरे साथी लोगों ने, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे जो सहयोग दिया, एक भाई साहब हमारे सेवा भारती के दीपक जी भाई साहब, इनके द्वारा जो हमें समय समय मार्गदर्शन मिलता रहा, उसी प्रेरणा से इस लंगर को हम कंटिन्यू लगातार 68 दिन तक निरंतर चालू रखा। सुबह 7 बजे से दूस से प्रारंभ होकर रात्रि 12-1 बजे तक हमने यात्रियों की सेवा की।